नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बस्तियां सब की किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। राम राम ठाकुर। राम राम। क्या खबर लाए? किशनगढ़ से बारात चल चुकी है। राम राम ठाकुर। किशनगढ़ से बारात चल चुकी है, बस फिर क्या है, पहुंच जाओ अपनी बारात लेकर, लूट लो, भर लो भंडार। बखीरा, तू फिर आ गया मेरे रास्ते में। आना जाना तो लगा ही रहता है ठाकुर, ये संसार है संसार, यहाँ कोई आता है कोई जाता है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तेरी कुछ समझ में ना आ सका है ये जीने मरने का सिलसिला। कोई आ रहा है अभी अभी, कोई आके पहले चला गया। ठाकुर ये शेर नहीं है, फलसफा है, फलसफा, एक दिन तुमको भी जाना है। अरे फकीरा, पहले अपने बदन के इचड़े तो बदल ले, ये ले पैसे और देख, आज से अपने मुंह पर हमेशा के लिए ताला लगा ले, समझा? नोट तो असली है ठाकुर, इचड़े बदल लूं, जुबान पर ताला डाल लूं, इस पाप की दौलत से। ठाकुर पहले इन पैसों से तुम अपनी आत्मा बदलो, फकीरा डाकुओं से भिक्षा नहीं लेता। We'll be right back.
भवानी माँ, तेरी दी हुई शक्ति से तेरा ये पुजारी आज भी विजय पाकर आया है। ये भेंट स्वीकार कर देवी। हाँ, तेरे भवानी सिंह सर जब कभी झुके तो तेरे आगे झुके। मां, ये मेरे खून की भेंट। बाल आगे ठाकुर बापू। जीते रहो बेटे, जीते रहो। देखा ठाकुर मेरे बेटे ज्वाला सिंह को, तुम्हारी तरफ बढ़ने वाली हर गोली को अपने सीने पर रोकने के लिए एक और ढाल तैयार कर रहा हूं। हम जानते हैं वफादारी का दूसरा नाम चंदन सिंह है। हम कुछ रोज के लिए गांव जा रहे हैं, पीछे होशियारी। अरे राम राम गोविंद भैया। जय राम जी की सूरत भैया। अरे भाई गांव में सब सुख शांति है ना? सब भगवान की कृपा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल देनी धनिया चल। ठाकुर अरे क्या कर, मेरी ठुकराइन, बहुत दिनों के बाद घर आया ठाकुर। देखो शर्म नहीं आती, देखो बच्ची देख रही है। हस्ती है सुसरी। अरे किसी और की तो नहीं, अपनी ठुकराइन को सीने से लगा रहा हूँ इस वक्त। बच्ची तो क्या, तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता है। अरे बापू को देखते छलांग लगाने लगी। अरे मेरी मुनिया, अच्छा चल बैठ, सीधे बैठ। देखते ली बापू क्या लाया। पकड़ इसको यहाँ से, इसको पकड़। देख ये है दुर्गा माँ का लॉकेट, ये बापू की हमेशा रक्षा करती आई है, अब तेरी भी करेगी। दिखा तू जरा। अरे वाह छोनू बेटा, वाह वाह वाह। ठाकुर ये ले लस्सी। अरे मेरी ठुकराइन, देख तो तू कितनी दुबली हो गई अपने ठाकुर के बिना। चल ये तू पी। नहीं नहीं, तुझे मेरी कसम, तू पी मैं इससे पीता। बच्चों से डर गए ठाकुर? बच्चों से? हाँ वो देखो अपने राम लक्ष्मण स्कूल से आए हैं। ये अपना मुन्ना हमेशा पुलिस की सायरन बजाता आता है। राजू बाय बाय। बाय बाय। राम राम चाची। राम राम, जीते रहो। ये तीसरा बच्चा कौन है? ये करोड़पति सेठ ठाकुर हरनाम सिंह का इकलौता बेटा राजू है, अपने बच्चों का दोस्त है। रोजाना अपनी मोटर में स्कूल ले जाता है और वापस छोड़ जाता है। सेठ हरनाम सिंह करोड़पति। माँ, बाबू। शेरू बाबू, हमारे लिए शहर से क्या लाए? अबे सुसर, पहले ये बता तूने पढ़ाई क्या की आज? कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और तूने? सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। तुम तो दोनों पढ़ लिख कर पंडित बन गए बे। पहले ये बता हमारे लिए शहर से क्या लाए? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख तेरे लिए लाया रंगीन पेंसिलें, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई हो, समझा? और मेरी बंदूक? अबे बंदूक तो बड़े होके लेना, पहले ये पिस्तौल तो संभाल। जब देखो बंदूक बंदूक, क्या करेगा बंदूक लेकर? बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, चोरों को पकड़ूंगा, डाकुओं को मारूंगा। बस कर बस कर। अच्छा पहले दूध पी, ये ले। मुन्ना कितनी बार कहा एक सांस में दूध मत पिया कर, सारे कपड़े खराब कर दिए। ये लो जी, चल उतार, तू भी उतार। ला। अबे खेच, थोड़ा और ऊपर खेच। ये देखो बापू, मेरे भी। अरे शंकर भगवान, माँ ने मेले में बनवाया था। अच्छा? चल भैया हम चोर सिपाही खेलेंगे। ठुकराइन तू भी क्या याद करेगी कि किस रईस से पाला पड़ा। ठाकुर मैं कई बार कह चुकी हूँ, मेरे लिए कुछ मत लाया कर। पगली देख तो सही कितना कीमती और खूबसूरत हार है। हार? किसी दुल्हन का छिना हुआ सुहाग और मासूमों के खून में डूबी हुई दौलत मुझे नहीं चाहिए। फिर वही भाषण। अब भी वक्त है, मान जाओ ठाकुर, वरना एक दिन यही भाषण याद करके रोओगे। ठाकुर जब बच्चों को ये पता चलेगा कि उनका बाप डाकू है तो उनके दिल पर क्या बीतेगी?
जब गांव वालों को ये मालूम होगा कि राधा एक डाकू की बीवी है तो वो लोग गिद्धों की तरह हमें नोच डालेंगे। इस घर में हम सबको जिंदा जला डालेंगे। राधा, किसी माँ ने इस धरती पर ऐसा बेटा नहीं जाना जो भवानी सिंह की बीवी या बच्चों की परछाई पर पांव भी रख सके। मेरे पास शक्ति है, ताकत है, सारा गांव जलाकर राख कर दूंगा। कितने घर जलाओगे ठाकुर, और फिर ये क्यों भूल जाते हो? उन घरों के बीच में तुम्हारा अपना भी घर है, उस आग में वो भी जल जाएगा। बहुत हुआ राधा, अब और बोलेगी तो अपने बच्चों को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जरूर ले जाना, उन्हें भी बना दो डाकू, और जब वो डाकू बन जाए तो उनसे कहना कि जिंदगी की पहली गोली वो अपनी माँ की छाती में मार दें और उसी खून से अपने माथे पर कामयाबी का तिलक लगाएं। तेरा नाम बहुत रोशन होगा। राधा, तेरे ये अश्लोक भवानी सिंह की जिंदगी के रास्ते नहीं बदल सकते। और अपने मालिक से कह देना कि कल शाम सूरज डूबने से पहले 5,00,000 रुपए लेकर भैरव घाटी में आ जाए, वरना उसके बच्चे की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। कमीने, तो उनसे जरूर मिला हुआ है। बोल, तेरा कितना हिस्सा है नमक हराम? बोल कुत्ते, बोल। मालिक, मैं इतना नीच रही हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तो तू पुलिस के सामने खाना, वो तुझे जूते मार मार के सब कुछ उगलवा लेगी। नहीं, 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 तो पुलिस को फोन नहीं कर सकते। इस खत में साफ लिखा है, अगर पुलिस को खबर की तो वो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? उन डाकुओं के सामने हार मान जाऊं, अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दूं? खानदान का चिराग ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा नाम लेने वाला कौन होगा? ठाकुर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने खानदान के नाम मेरे बेटे की बलि मत चढ़ाओ। अपने बच्चे का सदका समझकर डाकुओं को 5,00,000 रुपए दे दो। ठाकुर, 5,00,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। कहाँ है तुम्हारा सरदार? माओ की गोद उजाड़ कर अपनी झोली भरने वाला कहाँ है तुम्हारा जालिम ठाकुर? ठाकुर तेरा भी तो है राधा। हाँ, उस बदनसीब औरत का जिसे ये मनहूस दिन देखना पड़ा। ये मत भूल ठाकुर, राजू तेरे बच्चों का दोस्त है। एक अमीर कानून बनाने वाला जिसने समाज की उजली चादर ओढ़ रखी है, और दूसरा कानून से भागा हुआ एक डाकू जिसके गले में समाज ने काला टॉप डाल रखा है। इन दोनों के बच्चों में कहां की दोस्ती राधा? लेकिन इंसान से इंसान की दोस्ती जरूर होती है ठाकुर। मैं राजू को लेने आई हूँ। चाची, मुझे बचाओ चाची, ये लोग मुझे मार डालेंगे। चाची, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। घबरा मत बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास जरूर ले जाऊंगी। ठाकुरान, क्या ठाकुर हरनाम सिंह ने 5,00,000 रुपए भेजे हैं बच्चा वापस लेने के लिए? नहीं। तो फिर क्या लाई हो ठाकुरान?
एक माँ के आंसू। डाकुओं की बस्ती में आंसुओं के मोती नहीं, सोने चांदी के सिक्के खनकते हैं। भगवान से डर ठाकुर, ये मत भूल तेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो ठाकुर भवानी सिंह के बच्चे हैं, उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंखें निकाल ली जाती हैं। इस बच्चे को यहीं रहने दो राधा। नहीं, मैं तुम्हें एक बेबस मजबूर बच्चे की जान से नहीं खेलने दूंगी। हम इस बच्चे की जान से कहां खेल रहे हैं राधा, हम तो उसके बाप की तिजोरी को सिर्फ छेड़ रहे हैं। दूसरे की दौलत जुल्म से हासिल करना पाप है ठाकुर, पाप। बंद करो ये उपदेश। चंदन सिंह, ले जाओ इस बच्चे को। रुक जा चंदन सिंह, वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। नहीं राधा, नहीं, ये नहीं राधा। बस ठाकुर, अपनी परछाई पे पैर पड़ा तो चीख उठे, मैं राजू को लेकर ही जाऊंगी। भवानी! राजू! ना! भवानी! कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? ठाकुर आयन, धीरज रखो, हम रुपया लेकर आए हैं, भवानी बच्चे को जरूर लेकर आएगा। मैं 5 लाख रुपया ले आया हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे। मुन्ना, मेरे लाल मेरे पास आ जा। माँ! राजू, बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, बच्चे, मेरे लाल, मेरे बच्चे। भवानी, तुझे 5 लाख रुपया चाहिए था ना, ये ले और मेरा जिंदा बच्चा मुझे वापस ला दे। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा ठाकुर, मैंने नहीं मारा। माँ, आज मैं तुझसे इंसाफ मांगती हूँ, मेरा इंसाफ कर माँ, मेरा इंसाफ कर। इस जालिम ने मेरे मासूम बच्चे के खून से अपने हाथ रंगे, एक माँ की गोद उजाड़ी है, इसे औलाद का सुख कभी नसीब ना हो माँ, कभी नसीब ना हो। नहीं माँ, दिखा दे इसे अपना सिर, उठा, दिखा दे। नहीं माँ, ये दुर्गा माँ के मंदिर में खड़ी एक दुखियारी माँ के मुंह से निकला हुआ श्राप है। भवानी, तूने मेरे घर का दिया बुझा दिया, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अगर तेरी कोई औलाद है तो आज के बाद तू उनकी सूरत कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा।
बाबा 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 बाबा, आपने मेरे बच्चों को देखा? नहीं बेटी। बाबा मैं बर्बाद हो गई, मेरा आंगन सूना हो गया, मेरे तीनों बच्चे सैलाब में बह गए, मैं लूट गई। नहीं, धर्म कांटे की तरफ देखने से क्या होगा ठाकुर? तुमने धर्म का अपमान किया, तकदीर ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिखेर दिए। अगर तुम्हारी शक्ति भगवान की शक्ति से महान है तो फिर से बसा दिए उजड़ा हुआ गांव। मेरे बच्चे वापस ला ठाकुर, वापस ला। अब कहां गई तेरी शक्ति, कहां गया तेरा वो घमंड? ठाकुर, तेरे पाप ने सैलाब बनकर मेरी गोद सोने कर दी, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे बिछड़ गए, मेरे तीनों बच्चे मुझसे जुदा हो गए। मालूम होता है वो अपनी बिरादरी का है। क्यों मैं साले चोरी करता है? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। कौन है तू? मैं जयगढ़ का रहने वाला हूँ। बाढ़ में मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ गए और मेरे भाई बहन मुझसे छूट गए। अबे बड़ी तकदीर वाला है साला तू, उस बाढ़ में तेरे माँ बाप बहन भाई तो क्या, सारा गांव तबाह हो गया। वहां लोग कुत्ते बिल्ली की तरह मरे हैं, एक परिंदा तक नहीं बचा वहां पर। चल हुट, हुट। बाबा 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 बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारा सब काम करूंगा बाबा। नहीं ठाकुर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम पुलिस के आगे हथियार नहीं डालेंगे। ठाकुर, तुमने खुद हमको सबक सिखाया था कि सीने पे गोलियां खाओ लेकिन किसी के आगे सर मत झुकाओ, जब तक शरीर में खून का एक कतरा बाकी है लड़ते रहो। और ठाकुर, आज तुम चाहते हो कि हम पुलिस के आगे हथियार डाल दें? हाँ चंदन, इसलिए कि आज एहसास हुआ जो सबक हमने तुम्हें सिखाया वो गलत था। इस रास्ते पर आज तक चलाया वो कभी ना खत्म होने वाला एक गुनाह और पाप का रास्ता था। चंदन, ऐसे लगता है जैसे मेरे बदन के एक टुकड़े पर गुनाहों की चिताएं जल रही हों। चंदन, अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही होगा, वरना हम सब इसी आग में जल जाएंगे। वाह ठाकुर, जब तुम लोगों को जिंदा जला देते थे तो चिता का एहसास नहीं हुआ, इंसानों का खून पानी की तरह बहाया, लेकिन माथे पे कभी पसीने की एक बूंद तक नहीं आई। साफ क्यों नहीं कहते ठाकुर, बाढ़ में तुम्हारे बच्चे क्या बह गए, एक डाकू की आत्मा बह गई? तुम बुजदिल हो गए ठाकुर, बुजदिल हो तुम। भवानी सिंह को बुजदिल कोई कह नहीं सकता। आत्मा बह नहीं गई चंदन, आत्मा लौट आई है, और अब ऐसे मालूम होता है कि बुजदिल हम पहले थे। उस दिली का वो चोला हमने आज उतार कर फेंक डाला। ये कौन सी बहादुरी है कि दिन के उजाले में निकले तो भेस बदल कर, सोए तो बंदूकों का तकिया बनाकर। चंदन, ना घर ना बार, हवा का एक मामूली सा झोंका चौंका देता है
और घबरा कर ऐसे उठ बैठते हैं जैसे पुलिस की गोली थी। इन गुमराह खंडरों को छोड़कर चल मेरे साथ इंसानों की बस्ती में चंदन, चल। जिन बस्तियों को उजाड़ कर हमने खुद खंडर बनाया ठाकुर, उन्हीं बस्तियों को हम दोबारा आबाद नहीं कर सकते। बोलो साथियों, नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। सुन लिया तुमने ठाकुर, कल तक तुम सरदार थे तो ये सब तुम्हारे वफादार थे, आज मैं सरदार हूं ये सब मेरे वफादार हैं। आप सब वफादारों को मेरा आखिरी प्रणाम। ठाकुर, न तुम यहां से जाओगे न पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी। तुम हमारे सरदार थे, तुम्हारी चिता हम खुद जलाएंगे। भवानी सिंह की चिता अब कोई डाकू नहीं जलाएगा। कानून और पुलिस से भागा हुआ मुजरिम डाकू भवानी सिंह। भवानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस स्टेशन के अंदर तक आ पहुंचे? इंस्पेक्टर साहब, कानून का हाथ भवानी सिंह तक तो नहीं पहुंच सका, आज वो खुद ही कानून की आगोश में चला आया। लगता है कोई नई चाल सोच कर आए हो। डाकू भी अजीब होता है इंस्पेक्टर, गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार चालें चलता है, और जब अपने आप को कानून के हवाले करने आया तो पुलिस उसे भी चाल समझती है। ये रहा मेरी बात का सबूत इंस्पेक्टर, लिख ले इस कोरे कागज पर जो सजा दिल चाहे। भवानी सिंह सर झुकाकर तस्लीम करेगा। इंस्पेक्टर, भवानी को हमारे हवाले कर दो वरना इस पुलिस स्टेशन को जलाकर शमशान घाट बना दूंगा। अपने साथ क्या वक्त लेके आए? फिक्र मत करो इंस्पेक्टर, सच्चाई के लिए वक्त को थाम लिया जाएगा। We'll be right back.
मंगल, मुझे कुछ दिखता नहीं मंगल। चलो ठाकुर, बैठो ठाकुर। इंस्पेक्टर साहब, ये एक डाकू का धर्म, उसकी आन और इज्जत और उसकी दुनिया का कानून मैं अपने देश के कानून के हवाले करता हूं। ज्वाला मेरे, बोलो बाबू, बोलो। भवानी, भवानी सिंह, भवानी, भवानी। तेरे खून की कसम बाबू, मैं तेरी मौत का बदला भवानी सिंह से जरूर लूंगा। मुल्जिम भवानी सिंह बलद बलवंत सिंह, तुम पर लगाए गए सारे इल्जामात, जिनमें कत्ल, बच्चों का अगवा शामिल है, साबित हो चुके हैं। क्योंकि तुमने कानून की मदद की और अपने आप को खुद कानून के हवाले कर दिया, इसलिए अदालत जेर दफा 302, 361 और 396 तादीरात हिंद तुम्हें मौत की सजा न देते हुए उम्र कैद की सजा देती है। मैं जा रहा हूं राधा। चले तो तुम पहले गए थे ठाकुर, बहुत दूर पाप की दुनिया, आज तो तुम लौट आए हो। नहीं राधा, नहीं ठाकुर, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, सिर्फ जेल की दीवार बीच में होगी, जुर्म और पाप की दीवार तुमने गिरा दी। राधा, तूने मेरी जिंदगी में एक नई आत्मा फूंकी है, तूने मुझे एक नया जन्म दिया। आज अफसोस तो इस बात का है, काश के मेरे बच्चे मेरे पास होते, अपने बाप को प्राश्चित करते हुए देख लेते। अरे ये तेरे निशान कैसे? माँ ने मेले में भैया और मेरे हाथ पे निशान बनवाया था, माँ कहती थी इसके होने से भगवान सबकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तेरी माँ ने, इसीलिए भगवान ने तेरी रक्षा के लिए तुझे भगवान दादा के पास भेजा है। आज से तेरा नाम शिवा है, शिवा। जय शिव शंकर। अबे तेरे बाजू पर तो शंकर भगवान का निशान है, आज से तुम्हारा नाम भी शंकर। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर। शाबाश, ले और चल धंधे पे लग जा, चल। बात है, आज तो बिल्कुल दुल्हनिया लग रही है। ये बिजली आज किस पे गिरने वाली है? ये बिजली गिरेगी तो तेरे चेले शंकर पर, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। थैंक यू। दे बिजली।
ये मेरा धंधे का वक्त है, गड़बड़ मत कर। तू अपना काम कर, मुझे अपना काम कर। अरे ओ लंबू, चोरी चकारी जेब कतरने को अपना धंधा कहता है? उठाए गिरा कहीं का। ए बिजली, ज्यादा गड़बड़ की तो काट के रख दूंगा। अबे जाजा, ये खिलौना अपनी जेब में रख और फुट यहाँ से, चूहे की दुम। क्या बात है उस्ताद? वो सुसरी बिजली फिर करंट मारा उसने। अमा करंट क्या, उसने सुबह से पोली तक नहीं होने दी, और अगले डब्बे में जो बारात जा रही है उसका क्या होगा? अरे बाबा, आजकल जमाना उस्तादों का नीरा शागिर्दों का है। अरे जल्दी चल चाल, दूल्हे का बाप हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तू चाल नहीं चले, जल्दी चल चाल। हाँ। एक और पत्ता दे दे मेरी यार। अरे अरे तू चाल की बात करता, जरा इधर देख। ताल लोना। हाँ आ दो कुड़िये। लालजी हाँ मैं देता हूँ। और आज जो भाषा हो अलग कुड़िये। और आज एक कुड़िये तू से फुल्ला दी रानी है, फुल्ला दी रानी। ओए लाले, लगती है तेरी सूरत दीवानी, इस बुढ़ापे में छाई है जवानी। की क्या ही रानी। मत करिए नादानी, रख अपने पैसे, वरना मारूंगी ऐसा ठुमका कि याद आ जाएगी। I'm
किसका जस चाहे खुली हो गोरी दोनों अखियां तोरी चाचा ए सब ढकती हूं मैं घी से मिठाल के ए सब ढकती हूं मैं घी से मिठाल के छुरियां चल जाए छुरियां चल जाए मेरी मत वाली चाल पे छुरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल से बेटे तुझे चोरी सिखाने के लिए जो तपस्या मैंने आज तक की थी आज वो सफल हो गई। सच पूछो तो अब इतना तैयार हो गया है कि अगर चोरों की जेबें भी काट ले तो उनको भी पता नहीं चलेगा। बाबा ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है। अरे शंकर बेटे अब मेरा बुढ़ापा बड़े चैन से कटे। चैन से नहीं कटेगा बल्कि जेल में कटेगा। वो भी चक्की पीसते पीसते पत्थर तोड़ते तोड़ते। हमें बहुत दिनों से तुम दोनों की तलाश थी। हमारी लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमने क्या किया। हम तो चलती ट्रेन से गिर गए थे। हाँ। हमने तुम जैसे गिरते हुओं को बहुत बार उठाया है। लगा दो हथकड़ी। अभी लगाता हूँ। लाओ माल ये लो। ए चश्मेश अपने साहब को समझा माल आधा आधा बांट लेते हैं। क्या बकता है हमारे साहब का करेक्टर बहुत ऊंचा है। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो 10 साल के लिए अंदर कर देंगे। अरे बात माल की है करके तो देख चश्मा सोने का बन जाएगा। साहब पुलिस देखो देखो तुम लोग यही खड़े रहकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना। हाँ पुलिस के तो फिर तुम लोग कौन हो। हम लोग भी पुलिस हैं। आजकल काम ज्यादा होने की वजह से पुलिस के 2 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट माल पकड़ता है दूसरा चोर पकड़ता है। कमाल है। कमाल क्या है। खबरदार हिलना नहीं नहीं तो गोली मार दी जाएगी। हवालदार चलो सर साहब इधर चलो चलो चलो। शंकर बेटे सारी उम्र गुजर गई चोरी करते करते लेकिन ऐसी पुलिस से आज पहली दफा मुलाकात हुई है। मैंने भी पहली बार देखा है। हवालदार पकड़ लो इन्हें। अरे क्या पकड़ लो हम तो पहले से ही पकड़े हुए हैं। ये हथकड़ी किसने लगाई। पुलिस ने। पुलिस ने क्या बकता है। हम सच बोलता है साहब आजकल पुलिस के 2 डिपार्टमेंट हो गए हैं एक माल पकड़ दूसरा चोर पकड़। शट अप ये डिपार्टमेंट तुम लोगों ने ही बनाए होंगे। साले माल तुम लोगों ने पहले ही पार करवा दिया। हवलदार ले चलो इन दोनों को। बाबा लगता है वो अपने डिपार्टमेंट के आदमी थे। मुझे भी लगता है बेटे। जय लक्ष्मी माँ जय लक्ष्मी माँ। जियो मेरे लाल जियो। शिवा मुझे जिंदगी भर नाज रहेगा कि मुझे तुझ जैसा चेला मिला। और मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मुझे तुम्हारे जैसा गुरु मिला। क्या बात कर रहा है। और नहीं तो क्या मेरी जिंदगी में एक ही तमन्ना थी कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूं और तुमने मुझे चोर बनाकर रख दिया।
ठाकुर। राम राम। जय हो अन्नदाता की। ठाकुर, भगवान तेरी शक्ति को इतनी बढ़ाए कि हम तेरी शक्ति की भक्ति करते रहे। कारतूस। हाजी रे सरकार, होटल बंद करके और सारे गांव की नजरें बचा कर लाया हूं। माल खरा है ना रे? एकदम खरा है ठाकुर, यकीन ना हो तो कुत्ते बिल्ली पर चला कर देख लो। वो तो चलाऊंगा ही। ये हमारे नाम के पोस्टर किसने लगाया रे? माय बाप, मैं तो आपका पालतू कुत्ता हूँ, मैंने नहीं लगाया, ये गांव के मुखिया ने लगाया। मुखिया ने? मुखिया ने? आठ रे। लागे मुखिया ज्वाला तू? हाँ हम। मुखिया, आजकल हम पे बहुत मेहरबान लगता है तू, हमरी शोहरत जरा बढ़ाने के चक्कर में है तू, है? मगर हमरे कारनामों का दाम बहुत कम लगाया है, कंजूसी मत कर, बढ़ा ही दे थोड़ा। है कारनामों के नहीं, तेरी काली करतूतों के दाम है ये। ये देख, ये देख, बाकी पोस्टर हर गांव में लगाए जाएंगे ताकि पुलिस के हाथों तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा और तेरी मौत से सारी दुनिया इबरत हासिल करेगी। हाँ, इबरत हासिल करेगी, जरूर हासिल करेगी, लेकिन हमरे कारण नहीं। बापू, बापू, बापू। ठाकुरान, भवानी सिंह की जोरू, ये तो हमरे दुश्मन का घराना है। मंगल चाचा, हे मंगल चाचा। ठाकुर। ए बुढ़ाओ, तो भवानी सिंह का ससुर था रे। हत्यारे, खूनी, मेरे बापू का खून करके तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई? नहीं ठाकुरान, अभी नहीं पड़ी, ठंडक तो उस दिन पड़ेगी जिस दिन मैं तेरे पति के खून के साथ होली खेलूंगा। अब की बार जब भवानी सिंह से मिलने जेल जाओगी तो इतना कह देना कि मौत बाहर उसका इंतजार कर रही है। ज्वाला के रूप में बाबा, तुम डाकू बनकर अंदर जाओ और अपने हाथ की सफाई दिखाओ, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम पुलिस बनकर तुम्हें संभाल लेंगे, जाओ। जय भवानी माता। भगवान करे ये दिन तेरी जिंदगी में लाखों बार आए, जीती रहो। बहुत बहुत मुबारक बेटे, बहुत बहुत मुबारक। बोलो तुम। डाकू ज्वाला सिंह। डाकू ज्वाला सिंह तो काफी लंबा चौड़ा आदमी है, तुम छोटे कब से हो गए? चुप! तुमने शायद हमको घोड़े पर बैठे देखा होगा, जब हम छोटा डाका डालते हैं तो छोटे हो जाते हैं और बड़ा डाका डालते हैं तो बड़े हो जाते हैं। लागे ठाकुर, क्या लेने आया है ज्वाला? जन्मदिन पर तशरीफ लाने की कीमत 101,000 रुपया, तुम सबको जिंदा छोड़ने की कीमत 2,02,000 रुपया। अब चाहे जान दे ठाकुर और चाहे मार। जबरू जालिम नगेरे,
खबरदार ज्वाला, ये मेरी लड़की है, तुझे जितना पैसा चाहिए ले ले, लेकिन मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा के मत देख। ठाकुर, तुम्हारा पैसा तो हम ले जाएंगे, साथ तुम्हारी छोकरियां भी ले जाएंगे। जब रुक, घर ले साली को। रुक जब। नहीं, बेटा तुम अंदर जाओ। चमचे गीदड़ कभी शेर का शिकार करता है? कोशिश की, तुम्हारे चारों तरफ पुलिस है, वो देखो। ठाकुर, पुलिस आ गई। अब की बार तुम माल ले जाते हैं, छोकरिया उधार रही। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त पर आकर आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। इसमें शुक्रिया की क्या बात है ठाकुर साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अगर ऐसे मौके पर मेरी बहन होती तो क्या मैं उसे ना बचाता? बहन, आपने मुझे बहन कहा, अरे आपके हाथ से तो खून बह रहा है। काफी वजनी रुमाल है, आज से मेरा फर्ज और बढ़ गया। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, कौन से पुलिस स्टेशन पे ड्यूटी है आपकी? कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, यानी कि घर घर। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हर पुलिस चौकी में अपनी ड्यूटी है, जहां गाड़ी रुक गई वहां ड्यूटी शुरू। अच्छा ठाकुर साहब, चलता हूँ, कहीं पड़ोस के पुलिस वाले आ गए ना तो मुझे देखकर भिन्ना जाएंगे। साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। सिपाहियों चलो। ए छोकरी, क्या कर रही है तू? इंतजार। शंकर मेरे, हो गए दर्शन तेरे। कैसी है तू बिजली रानी? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है रे? देखती नहीं सरकारी रोटियां खा खा कर कैसा तैयार हो गया हूं? तेरी सूरत देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। ले, देख ले जी भर कैसे। एक कबाब में हड्डी, पीछे हट। शंकर, जिसके वजह से तू जेल गया था मैंने सब पता लगा लिया। वो इंस्पेक्टर नहीं, एक चालाक ठग है, लोग उसे शिवा के नाम से जानते हैं। शिवा? दिल के बाहर दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। आ, 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 आ,
हिम्मत नहीं देखी जाती। लगी तो नहीं सेठ जी? क्यों बे सेठ, क्या तेरी माँ ने तुझे बचपन में नहीं बताया था कि चंदा को दूर से देखा जाता है, छुआ नहीं जाता। छूटे खिलवा के पूछती हो कि चोर तो नहीं आई? चंदा का लालच दे के हरामजादे, अगर दोबारा अपनी कंदी जबान से चंदा का नाम लिया तो साले इतने घाव मारूंगा के पुलिस वाले गिनते गिनते थक जाएंगे। अबे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा। अरे सेठ जी, तुझे समझ लूंगा, तुझे समझ लूंगा। अरे सेठ जी, अरे मनी नाम सेठ कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना। अरे मुन्नी भाई, तुम्हारा कोठा तो गामा पहलवान का अखाड़ा बन गया है, हम लोगों को बख्शो। अरे चूहे कहीं के गुंडे लुच्चे बदमाश, तू जब आता है मेरे ग्राहकों को भगा देता है, क्यों आता है तू यहाँ? तेरे बाप की जागीर गली है यहाँ क्या? ए बुढ़िया, जबान संभाल कर बात कर, वरना उल्टी हाथ का ऐसा झापड़ मारूंगा मगर घुंघरू के नाचने लगेगी। क्या मुन्ने भाई, अगर दोबारा चंदा का सौदा करने की कोशिश की तो तेरे कोटे को शमशान घाट बना दूंगा। चंदा मेरी है और सिर्फ मेरी। अबे ओ फोकटिए, चंदा को खरीदने के लिए छाती में दम और जेब में माल होना चाहिए जो तू सात जन्म तक नहीं ला सकता। मुन्नी भाई, चिवा की नजरे तलवार की धार है, प्यार में आने वाली हर दीवार को काट देती है। ये ले। वर्दी पहनकर हमें लूटते हो इंस्पेक्टर, और वर्दी उतार कर हुस्न को।
तो ये है तुम्हारा असली रूप। हाँ, शिवा के मोहल्ले में कदम रखने से पहले सोच लिया होता तो अच्छा था बड़े भाई। पापियों को खत्म करने वाला का नाम शिवा है। और शिवा का दूसरा नाम शंकर भी होता है बरखुदार। शंकर के धर्म कांटे में पाप और पुण्य दोनों तोड़े जाते हैं। उस्ताद, गुरु। चुप। मानता हूं दोस्त, हाथ में वजन है, मालूम होता है किसी शेरनी का दूध पिया है। शाबाश बच्चे, क्या तगड़ा हाथ जमाया है। लगता है तेरी रगों में भी किसी शेर का खून दौड़ रहा है। क्यों, मजा आया? बहुत मजा आया। अपना तो असूल है, अच्छा खाते हैं और अच्छा खिलाते हैं। खबरदार, जब तेरे गुंडे से आकर आई तो चल। कासूर गंगू, मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर पुलिस को लेकर आओ, वरना ये दो लंगूर मेरे घर का सच्चा नाश कर देंगे। चलो जल्दी जाओ। जाते हैं मुनि। पुलिस, बाप रे, भागो। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब भागे जा रहे हैं। स्टॉप, ठहरो। माजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये खून। मेरा खून बह जाने से तुम दोनों एक दूसरे का खून बहाने से तो रुक गए। आपने यहाँ किसी दो बदमाश को आते हुए देखा है? बदमाश? आप, वो भाग रहा है। आओ मेरे साथ। ए, भागता कहाँ है? अच्छा, तू ही वो बदमाश है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। शर्म नहीं आती ऐसी गुंडागर्दी करते हुए? माँ जी, तुम तो मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे तुम मेरी सगी माँ और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो क्या तेरी ऐसी हरकतें देखकर तेरी माँ तुझे कुछ नहीं कहती? जब माँ है ही नहीं तो कहेगा कौन? क्या? हाँ माँ जी, जब बच्चा गिरता है ना तो फौरन माँ का आंचल पकड़ कर संभल जाता है, लेकिन मुझ बदनसीब के हाथ से तो माँ का आंचल ही छूट गया। उसके बाद माँ जी, जो गिरा गिरता ही चला गया। बाबा, 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 ये क्या हुआ बाबा? बाबा, तुम्हारी हालत किसने बनाई? बोलो बाबा, बाबा बोलो। जिसने तुम पर हाथ उठाया मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। नहीं, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। ऐसा मत करना बाबा, तुम्हें मेरी कसम। बोलो कौन आया था बाबा? बोलो बाबा। शंकर तुझे पूछने आया था। अरे साली, गर्दन सेक रही है कि कबाब सेक रही है?
मारा मारी करते वक्त शर्म नहीं आती, अब चिल्ला रहा है, कभी टकला सूजा हुआ है, कभी माथे पे गोमड़ा निकला है, कभी नाक से रसभरी चालू है। अरे अगर तेरी आंख फूट गई होती तो लोग कहते वो देखो शंकर कानिया की बीवी जा रही है। कर लो। बंद कर दो इन दोनों को। चलो अंदर। ये दे 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 दे। ए! धक्का क्यों मारा? हाँ? अरे साहब। धक्का क्यों मारा? अरे लेकिन, अरे धक्का क्यों मारा? अरे लेकिन धक्का क्यों मारा? अरे बाटली है क्या? जब ए माचिस है माचिस। ये जानवरों का खाना हम नहीं खाएंगे। ये रोटी है, है? ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये रोटी, ये वो रोटी है जिसके कारण एक गरीब माँ अपने बच्चे को बेच डालती है, कभी किसी बहन की इज्जत लूट जाती है, इंसान इंसान का खून कर बैठता है। ये रोटी तुम्हारे उस खाने से कहीं अच्छी है जो तुम चोरी चकारी से कमाते हो। घमंड है तो खाओ कसम, इस रोटी को हाथ नहीं लगाओगे, इसका एक टुकड़ा भी अपने मुंह तक नहीं ले जाओगे। खाओ सौगंध, ये पेट की आग जहन्नुम की आग से भी तेज होती है, अच्छे अच्छों को जलाकर खाक कर देती है। इसे सिर्फ रोटी ही बुझा सकती है, सिर्फ रोटी। उठाओ इसे, आओ। कभी ऐसी हरकत जिंदगी में मत करना जिससे तकदीर या तकदीर का लिखने वाला तुमसे हमेशा के लिए रूठ जाए। सेठ जी, मैं कासू आपका खादिम मालिक। सेठ तिजोरी माल जी, घबराइए मत। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा था कि वो गुंडा बदमाश शिवा तो यहाँ नहीं छुपा हुआ है। अरे उसको तो मैंने कब का अंदर करा दिया, वो तो जेल की सलाखे गिन रहा होगा साला। अच्छा अच्छा, ये बात है। मेरे हाथ छोड़िए और जेब में हाथ डालिए और मुझे नोट गिनने का मौका दीजिए। नोट? हाँ जी नोट। लाइए लाइए, मैं गिन लेती हूँ, उसमें है क्या? मुन्नी भाई, इसे मिला के पूरे 5 लाख रुपए हो गए हैं। सर आंखों पे कहाँ है मेरी चंदा, जो मेरे गले का बन गई है फंदा, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता जिंदा। जाइए, कमरे में आपका इंतजार कर रही है हुजूर। मेरा जी इंतजार जी और चंदा। मुन्नी भाई, धोखा। क्या वो सेठ जी काट लिया उसने? अरे काटा तो तुमने है, तकिए पे नकली बाल लगा के कहती हो कि चंदा है, ये तुम्हारा धंधा है। भाग गई हरामजादी। कासू, शेरू, गंगू, शहर का कोना कोना छान मारो, पीछा करो उसका। अरे तू तो ऐसे भाग रही जैसे तेरे पीछे कोई शिकारी कुत्ते पड़े हुए हैं। मेरी मदद करो। मगर किस खुशी में? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए, एक सेठ के हाथों भेजना चाहते, मुझे बचा लो बहन। मैंने साली कहाँ गायब हो गई है?
बहन, वो लोग तो इस तरफ ही आ रहे हैं। तू फिकर मत कर, मैं इन सालों को खड़े खड़े ही नीलाम कर दूंगी। चल मेरे साथ। अरे चोर चाचा, तुम ये धंधा कब से? जब से शिवा को तूने जेल में भेजा तब से। अरे ओ छोकरे, चंदा कहाँ है? अबे ओ अंधे, इधर सुबह से चाचा का धंधा मंदा चल रहा है, चंदा मांगने आ गया। अबे तेरे को चंदा चाहिए तो ऊपर जाना, इधर क्या कर रहा है? अबे मैं उस चंदा की बात नहीं, मैं इस चंदा की बात। यहाँ एक लड़की की इज्जत का सवाल है, आज साले सामने आओ। माचिस निकाल, ले लो माचिस, फूंक डाल, फूंक डाल, अभी मेरे को मुनीर मिटा, ये लो चंदा, फूंक डाल। हाँ अरे अरे तू फिकर मत कर, ये बिजली रानी का शीश महल है, अखे इंडिया में वन पीस है, लोखंड की तरह मजबूत, साला हाथी भी टक्कर मारे तो उसका टकला फूट जाए, बम फेंको तो उछल कर 3 मील पीछे जाता। ये खंभा जरा ढीला है, छत नीचे आ जाएगी, वैसे बात भार ना जाने पा। नहीं, तू बिल्कुल बिंदास रहे, यहाँ कोई आवाज नहीं कर सकता, सब अपने पहचान के हैं, शंकर दादा, बिरजू दादा, कल्लू दादा और अपना एक राधा चाची। तुझे कैसे पता? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर किसने बोला? मैंने। अरे चाची, तुम इस वक्त यहाँ? मैं तो घबरा के आ गई, तू कई दिन से खिलौने लेने नहीं आई। क्या करूं चाची, बहुत परेशान हूँ, 3-4 दिन से लफड़ा चल रहा है, जहाँ दुकान लगाओ उधर म्युनिसिपैलिटी की धाड़। अरे उस दिन तो हवलदार डंडा लेकर आ गया कि ए छोकरी हटा अपनी दुकान। फिर ये तो ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ गया, बड़े साहब ने मुझे लाइसेंस दे दिया, अब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर भी दुकान लगाओ तो माई कलाल कोई आवाज नहीं कर सकता। बस बस ज्यादा मत बोल वरना थक जाए। चाची अरे ये कौन है? अरे ये मेरी सहेली है, बिल्कुल ताजी, इसका दुनिया में कोई नहीं, आज ये मेरे साथ रहेगी। नमस्ते करना। अरे अरे बेटी नमस्ते, जीती रहो, कितनी प्यारी बच्ची है। अरे हाँ चाची पैसे। अच्छा मैं चलूं। अरे हाँ तेरा होने वाला पति कहाँ है, कभी तो मिला मुझसे? कहाँ से मिलाऊं चाची, वो तो अपने ससुराल गया है। ससुराल? हाय राम, उसने शादी कर ली? नहीं चाची, वो जेल को अपना ससुराल कहता है, पर ये उसकी आखिरी यात्रा है, बस आते के साथ ही वो मुझसे शादी कर लेगा। तूने तो मुझे डरा ही दिया, शरीर कहीं की। कितनी अच्छी है तुम्हारी चाची। चंदन सिंह के बेटे? ज्वाला सिंह है हम, पायल आगे ठाकुर। ठाकुर हम अपने बाप की शकल लेके इसलिए पैदा हुए हैं ताकि जितने पाप हमारे बापों ने किए हैं उन सब का प्रायश्चित कर सके। प्रायश्चित? हाँ ठाकुर, अगर हमारे बापों ने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हम ये दिन न देखते, सारी दुनिया के सामने जलील न होते और तुम्हारे सामने इस दशा में न होते। ज्वाला, इंसान जब पाप की नींद से जागता है वहीं सच्चाई के सवेरे का आगाज होता है। जो बात चंदन सिंह अधूरी छोड़ गया वो तू पूरी करेगा, तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे बापू की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हम तेरे जिस्म के चीथड़े उड़ा देंगे ठाकुर। बड़ा नाज है ताकत पर, तो इसका सही इस्तेमाल करो, आपस में लड़ते लड़ते यहां तक तो पहुंच गए हो, अब क्या ऊपर जाने का इरादा है?
जाओ काम करो। अरे जाओ। राम राम जेलर। राम राम। सब ठीक है ना? सब कृपा है सरकार। सरकार एक अरज है। कौन? ये ज्वाला है ना, ज्वाला। ये बेचारा भी एक इंसान है, इसकी बेड़िया खुलवा दीजिए। हरगिज नहीं, वो एक खतरनाक डाकू है, वैशी दरिंदा। सरकार, यहाँ आने से पहले हम सभी वैशी दरिंदे थे, लेकिन कानून ने हमें अच्छा बनने का एक मौका दिया, वो एक मौका इसे भी दिया जाए। सरकार, वो 3 महीने में बड़ा भला मानुष बन चुका है। हाँ सरकार, और इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हाँ हाँ इंस्पेक्टर सर, ज्वाला सिंह की बेड़ियां खोल दो। ओके सर। लागे ठाकुर, तुम्हारी कृपा से हमारे बदन की जंजीरें तो खुल गई हैं, लेकिन हमारी आत्मा पे बोझ अभी तक बहुत भारी है। बदन की जंजीरें तो उतर जाती हैं ज्वाला, लेकिन आत्मा का बोझ उतरने में जरा देर लगती है। सबर से काम लो। चल घंटी बज गई, रोटी खा ले। ला दाल डाल, ला रोटी ला। अरे आज ज्वाला की जंजीरें खुल गई, आज मैं उसे अपने हाथ से रोटी खिलाऊंगा। सिंह को अस्पताल ले चलो, क्विक। ठाकुर, 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 ये सब क्या हो गया ठाकुर? डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। धीरज रखिए, गोली बदन के पार हो चुकी है, इन्हें फौरन खून देना पड़ेगा वरना। डॉक्टर साहब, मेरा सारा खून ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर माथुर, भवानी सिंह का ब्लड ग्रुप AB1 पॉजिटिव है और ये खून हमारे अस्पताल में नहीं है। क्या? डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए। और मेरा भी, शायद हमारा खून एक हो। चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, आइए। मेरी पुकार सुन, मेरा सुहाग बचा ले, मेरा सुहाग बचा लिया। मत रो पगली, इस शरीर में कुछ पापी खून रह गया होगा, सो आज वो भी निकल गया।
गड़बड़ नहीं करना। चल आप गुस्ते ठाकुर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है? हवलदार साहब बहुत जोर का आया। जाओ जल्दी आना। अभी आता हूँ। अबे भी जाए। जाओ। आई इंस्पेक्टर भैया, आप इस कैदी की वर्दी में? नाटक, 26 जनवरी का नाटक। हम पुलिस वाले नाटक कर रहे हैं। दरअसल बात यह है, जो पुलिस वाले हैं वो कैदी बने हुए हैं, और जो जो कैदी हैं वो पुलिस वाले बने हुए हैं। पुलिस वाले? जी हाँ। सच्चाई छुप सकती है बनावट के असूलों से, कभी कभी खुशबू आ सकती है बहना कागज के फूलों से। आप तो शेर बिल्कुल उल्टा पढ़ रहे हैं। उल्टा? अरे हाँ, नाटक का नाम है उल्टी गंगा। ए शिवा। कौन है बे? क्या है? जल्दी चल। देखा बुला रहे। कमाल है भैया, आप इंस्पेक्टर हैं और वो हवलदार आपको डांट रहा है? वो नहीं डांट रहा, उसकी वर्दी डांट रही है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी जेल में तमाम होती है। भैया वाह, आप तो जेल के कपड़े पहनकर बिल्कुल शायरे इंकलाब बन गए। आदाब बजा लाता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, ड्रामे की रिहर्सल वेट कर रही है। सुबह होती है, शाम होती है। अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा था? हाँ, सुबह होती है, शाम होती है। अरे जल्दी चल हवालदार, वरना इज्जत नीलाम होती है। भवानी सिंह, सरकार ने तुम्हारी जेल की खिदमत और कैदियों की नेक रहनुमाई और तुम्हारे नेक चाल चलन से खुश होकर तुम्हें ये रुपया और रामगढ़ में 5 एकड़ जमीन दी है, ताकि तुम अपनी आने वाली जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सको। भवानी सिंह, आज से तुम आजाद हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मुल्क के लिए एक मिसाल साबित होगे। जय हिंद। जय हिंद। इस जेल के भाइयों को मेरा आखिरी प्रणाम। जय हिंद। जय हिंद। लगता है कोई कदी भाग गया। जमाला सिंह भाग गया। जमाला सिंह भाग गया। आज एक कैदी ने हमारी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया। आज के बाद जब भी तुम्हें बाहर ले जाया जाएगा, दो दो कैदियों के हाथ में एक हथकड़ी होगी और जिसने भागने की कोशिश की गोली मार दी जाएगी। बंद कर दो इन दोनों को। चल, प्यास लगी है मुझे, पानी पीना। तो जा पी ले। तू भी चल। अबे कुआ प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है, समझा? वक्त की बात है बच्चे, इस जंजीर ने हम दोनों को शरीर और परछाई बना दिया। रामू बेचारा मर गया। अबे मौका अच्छा, चल भाग चले। तुझे भागना है तो भाग जा, मैं अकेला कैसे भागू? बच्चे, ताली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजती, और अब ताली वाला हाथ मेरे हाथ में है। बड़े भाई, ताली बाद में बजा लेंगे, अब तो भाग चल। चल दोनों भाग गए।
सबूत। नहीं 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 नहीं, अबे मुझे तैरना नहीं आता। अबे पुलिस आ रही है, चल। अरे क्या कर रहा है? करता है, मैंने तुझे हमदर्दी में नहीं बचाया, ये तो शुक्र कर इस हथकड़ी का। अगर तू मर जाता तो इतनी भारी लाश उठाकर कहां घूमता फिरता? हाँ, बड़े भाई अपनी तो आदत है, आप उन किसी का कर्जा नहीं रखते। तूने मेरी जान नहीं बचाई ना सही, लेकिन आज आज अपन ने अपना कर्जा चुका दिया। हाथ मिला
हाथ से तेरा साथ मिला, बात हुई ना हाथ मिला, दुख जितने थे झेल चुके, खेल हम अपने खेल चुके, दुख जितने थे झेल चुके, खेल हम अपने खेल चुके, आज मिलन की बात पड़ेंगे माई। ना बाबा ना, मैं 4 रुपए नहीं सिर्फ 2 रुपए दूंगी। 2 रुपए तो फकीर भी नहीं लेता। अरे सुनो तो, सुनो। अरे गई तो जाने दो, हम उठाई लेते हैं माँ जी। जल्दी जल्दी बोलो चलना कहाँ है, हमें काम भी बड़ी जल्दी रहती है। अरे पहले भाव ताव तो कर लो। काय का भाव काय का ताव, ये मेरा भाई है, तू हमारी माई है, यही हम दोनों की कमाई है। चल माई। ठहरो, तुम ही दोनों की तलाश थी। अरे हवलदार साहब, ये बहुत शरीफ मजदूर हैं। ये तो 2 रुपए में मान गए, वो दूसरे 4 रुपए मांग रहे थे। ठीक है बहन, तुमने इन 2 बदमाशों को देखा है? दरोगा जी देखा इन्हें, यही मंडी में घूम रहे थे। साले लस्सी पी रहे थे। किधर गए? इधर। इधर क्या मतलब? एक पूरब की तरफ गया, एक पश्चिम को गया। चल भाई, चल भाई। दरोगा जी रख लीजिए, काम आएगा। भाइयों, तुम दोनों पूरब जाओ, तुम दोनों पश्चिम जाओ, मैं उत्तर दक्षिण देखता हूँ। लाइए माँ जी 2 रुपए, और वो भी रोकड़ा। अरे तुम लोग, जेल से कब छूटे? बात ये, हम छुट्टी पर आए हैं। छुट्टी पर? अबे सच बोलना माँ जी, इसका मतलब ये है कि सरकार ने हमारा अगला पिछला ऊंचा नीचा रिकॉर्ड देखकर हमें 26 जनवरी को आजाद कर दिया। इसी दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ था माँ जी, इसीलिए हम भी आजाद हो गए। करेक्ट। अच्छा, अब तुम लोग हमाली करते हो? हाँ माँ जी, पहले हराम की कमाई के लिए जुगाली करते थे, और अब हलाल की कमाई के लिए हमाली करते हैं। करेक्ट। बड़ी अच्छी बात है, मैं ठाकुर से कह के तुम दोनों को अपने खेतों में काम दिला दूंगी। अंदर आओ, आओ। चलो। अभी अंदर गया तो ठाकुर अंदर कर देगा। माँ जी, अगर हम आपके खेत में काम करेंगे ना, तो हमारे खेत सूख जाएंगे। तुम्हारे खेत? हाँ माँ जी, सरकार ने हमें 25 एकड़ जमीन दी है। हाँ, 25 एकड़। तू ज्यादा बोल गया ना माँ जी, इसका मतलब है हम दो है ना, 12.5 इसके, 12.5 मेरे, तो 25 हो गए ना। करेक्ट, ये हिसाब में बहुत मजबूत है माँ जी। अच्छा माँ जी, चलते हैं। चलते हैं। अरे अरे, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? ठाकुर आएंगे और उन्हें पता चलेगा तुम लोग खाए पिए बगैर चले गए, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आओ आओ। अरे ठाकुर घर में नहीं है, माँ जी बुरा मान जाएगी, चल। अच्छा माँ जी, अगर आप कहती है तो भला आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। तुम लोग यहाँ बैठो, मुंह हाथ धो, मैं खाना लेकर आती हूँ। जी माँ जी। मुंह में मजन वाला
मजा आ गया। ऐसे लगता है जैसे बरसों के बाद घर का खाना खाया है। मुझे भी ऐसे लगता है। अरे वाह छाछ। मुन्ना अरे अरे क्या हुआ बेटा? अबे तुझसे कितनी बार कहा है कि सांस ले लेकर पानी पिया कर। अबे ये पानी नहीं लस्सी है लस्सी समझा? तुम दोनों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे चाचा आ गए। मौत का फरिश्ता आ गया। फुटो फुटो। आई ठाकुर तुम काय लागू ठकुरान? तू यहाँ क्या लेने आया है? ठाकुर का और हमरा बहुत पुराना लेन देन है ठकुरान, सो तो जिंदगी भर चलता रहेगा। ठाकुर ने हमसे हमरे बापू को छीना है और मौत के हवाले कर दिया है, और आज हम उनका सुख चैन उनकी खुशियां छीन कर उनके आंगन में दुख का छिड़काव करने आए। ठाकुर कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। जो कुछ कहना है मुझसे कह। अरे हट तू तो ठहरी औरत, तुझसे क्या बात करें है? अरे मंगलू ठाकुर की फसल तो बहुत शानदार हुई रे, चल तनिक नजीक से देख लेते हैं। चल सारी जिंदगी एक ही तमन्ना रही, हम इस ठाकुर का सर कुचल कर रख दें तो पूरी नहीं हुई। चलो तू की फसल ही कुचल डालते हैं। देख मंगलू ऐसे ही लाल लाल बापू का खून भी ऐसे ही लाल लाल था बापू के चेहरे पर। हमको याद है मंगलू हम उनकी फसल बर्बाद कर देंगे, हम उनकी फसल बर्बाद कर देंगे। ज्वाला तू हमारी फसल बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारे चरणों की सौगंध है ठुकराइन, ऐसे ही होगा और तुम्हारी नजरों के सामने होगा। इस फसल को कुचल डालो। ज्वाला मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, रोक दे अपने आदमियों को, अपने आदमियों को रोक दे ज्वाला। ठकुरान जब जब तुम्हारी फसल कटेगी तब तब ज्वाला आएगा और इसी तरह बर्बाद करके चला जाएगा। राधा 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 बोल, ये सब किसने किया, ये सब कैसे हुआ है? मैं कहता हूं बता ये सब कैसे हुआ। उसकी जान ले डालूंगा। अरे इतनी तबाही हो गई और तू जवाब नहीं दे रही। राधा मैं कहता हूं बता, ये ठाकुर भवानी सिंह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसकी गर्दन काट डालेगा। राधा अगर तूने ज्वाला का नाम ले लिया तो भवानी सिंह फिर से बंदूक उठा लेगा, अपने अंदर बसे हुए इंसान को मार डालेगा,
और मरे हुए डाकू को फिर से जिंदगी मिल जाएगी। उजड़ा हुआ खेत तो फिर लहलहा सकता है, मगर एक बार मांग उजड़ जाए तो फिर भर नहीं सकती। नहीं, नहीं। राधा, मैं गुस्से से पागल हो रहा हूं और तू खामोश है। बता वो कौन आदमी था? आदमी नहीं, जंगली जानवरों का एक गोल आया था, सारी फसल बर्बाद करके चला गया। ठाकुर, मैं अकेली थी, कुछ ना कर सकी। ओ राधा। राम दादी, तू क्या, तेरे फरिश्ते भी बताएंगे वो चंदा कहाँ है। ये नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? अभी मालूम हो जाएगा कमीनी। मुन्नी भाई, कब तक मेरे साथ ये सुलूक करती रहोगे? भाई जी, ये लड़की भी गजब का नाचती है। हमने इसे रस्ते पे नाचते देखा है। बिजली की तरह नाचती है, कोयल की तरह कूकती है। अबे ओ दल्लो, क्या अपनी माँ बहन की बातें कर रहे हो? खामोश छोकरी, पहले तू इस कोठे पे नाचेगी, उसके बाद हरनाम सिंह की हवेली में, और फिर सेठ जी के हवाले कर दी जाएगी। ले बात गुंगरू। चंदा, मुन्नी बाई, इसे जाने दो। अरे वाह, मुन्नी बाई इतनी बेवकूफ नहीं जो हाथ आई चिड़िया को छोड़ दे। तू भी आ रहेगी और ये भी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुन्नी बाई, तुम चंदा की जिद को जानती हो। बिजली को जाने दोगी तो तुम जो कहोगी वही करूंगी, वरना मेरी अर्थी यहाँ से निकलेगी। नहीं चंदा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझे दोबारा इस पाप की नगरी में दाखिल होने नहीं दूंगी। मुन्नी भाई, समझदारी से काम लो, दो की लालच में एक को भी खो बैठोगे। चंदा, चंदा की बात मान लो। ठीक है सेठ जी, ठाकुर हरनाम सिंह की हवेली में चंदा की जिंदगी का आखिरी मुजरा होगा, उसके बाद मैं इस कमीनू को आपके हाथों हमेशा के लिए बेच दूंगी। भगवान। पिछली क्या हुआ? शंकर, चंदा को बचा लो। शंकर, चंदा को बचा लो। तेरी ये हालत किसने बनाई? मुन्नी बाई ने। चंदा ने मुझको बचाने के लिए खुद को उसके हवाले कर दिया। अब चंदा कहाँ है? मुन्नी बाई चंदा को रामगढ़ ले गई है, ठाकुर हरनाम सिंह की हवेली में। कहती थी वो उसकी जिंदगी का आखिरी मुजरा है, उसके बाद वो उसे बेच डालेगी। ज्वाला सिंह, तू? लगन मुबारक हो ठाकुर। तू यहां कैसे आया? ठाकुर, तुम न्योता देना भूल गए थे। हमने सोचा अपनों को न्योता कभी दिया नहीं जाता, अपना घर समझ के खुद ही चले आए। ज्वाला सिंह, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, चल जा यहां से। ले अब। अरे खुशी के मौके पर लोग हाथ जोड़कर मेहमान का स्वागत करते हैं, तुम जाने के लिए कह रहे हो? देख, मेरी बच्ची की बारात आ चुकी है, उसकी डोली उठ जाने थे, उसके बाद जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तेरी जान भी हमारे हाथ में है, तनिक नजर घुमाए के देख ले। यहाँ कुछ तुम्हारे बराती हैं, कुछ हमारे साथी। तोरी एक छोटी सी गलती पे गोली चल सकती है, सोच लो।
बढ़ा रहे हैं ठाकुर, तेरी बिटिया को अपनी जोरू बनाएंगे। जोरू छोड़ते मेरी बच्ची को। चल मैं तुझे अपनी दुल्हनिया बना रहा। ऐसे छोड़ तू छनिया, बहुत दिनों के बाद तू हाथ आई। चल चल चंदा। क्यों सालो, तबले की थाप में मजा है या शिव शंकर के हाथ में? दोनों में। शिवा शिवा, हमारी इज्जत खाक में मिल गई बेटा। ज्वाला सिंह गंगा को उठा कर ले गया, वो से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा ठकुराइन। शंकर, आज एक बहन की इज्जत खतरे में है। चल शिवा। गंगा,
भाग जाए यहाँ से, मैं कहता हूँ तू भाग जाए यहाँ से। क्या हुआ, मिले हरामखोर? बोल दे यहाँ पे कोई नहीं, वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा, जल्दी बोल। यहाँ कोई नहीं है। शाबाश बच्चे, शाबाश। शिवा, ए शिवा, शिवा, ए शिवा, शिवा, हाँ, शिवा, ये लॉकेट किसका है? मेरी, मेरी बहन गंगा का। तू, तू फिकर मत कर, देख, बहन माँ का आशीर्वाद देती। तुम किसकी बेटी हो? मैं ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी हूँ। क्या लेने आया है? सब कुछ तो लूट चुका। 20 साल पहले तूने मेरी गोद उजाड़ी थी और आज आज तेरे साथी मेरे बच्चे को उठाकर ले गए। हत्यारे, मेरे बच्चे की बारात वापस लौट गई। अगर मारना ही है तो मार दे अब सबको एक साथ गोली। लगा दे इस घर में आग। अब इस घर में रखा ही क्या है? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। एक डाकू जो आज तक लोगों की जान लेता आया है, वो किसी की जान क्या बचा सकता है? ये वही जालिम है बेटा, जिसने तेरे भाई की जान ली है। घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया इसने। और उस चिराग के बुझने के साथ ही मेरे घर में भी अंधेरा छा गया। ठुकरायन, आज 20 साल से मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, लेकिन वो अंधेरा इतना भयानक है कि वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। भवानी सिंह,
वो अंधेरा जिंदगी भर तुझे सांप बनकर डसता रहेगा। तू जहां जाएगा तेरे गुनाहों की आग तेरा पीछा करेगी। देख अपनी सूरत इस आईने में, देख तुझे अपने पाप की भयानक तस्वीरें नजर आएगी इसमें। माओ की बददुआएं बेगुनाहों की चीखे सुनाई देगी इसमें। मासूमों की आंसुओं के सैलाब नजर आएंगे इस हत्यारे। ठुकराइन बस कर। वो डाकू भवानी सिंह मर चुका, वो आईना टूट चुका। मैंने 14 बरस जेल में काटे, 14 बरस, और अब मैं कानून का मुजरिम नहीं रहा, लेकिन मैं तेरा मुजरिम आज भी हूं। मैंने तुझसे तेरी एक औलाद छीनी, लेकिन तेरे शराब ने मुझसे मेरे 3 बच्चे छीन लिए। ठुकराइन, ठाकुर भवानी सिंह जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन आज तुझसे तेरी दया की भीख मांग रहा है। मेरा मन कहता है कि मेरे बच्चे जिंदा हैं, एक बार कह दे कि तूने अपना शराब वापस ले लिया, भवानी सिंह को माफ कर दिया। माँ, माफ कर दे इसे। मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूँ माँ, इसने तेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। ठुकराइन, इसको इसके किए की सजा बहुत मिल चुकी है, माफ कर दो इसे। जा भवानी, मैंने अपना शराब वापस लिया, भगवान तुझे माफ करे। शंकर काटा लगे। महाराज, आप किसे ढूंढ रहे हैं? शिव शंकर को देवी। वो तो कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत पर? यहाँ से कितनी दूर है वो देवी? गुरुदेव, बालक, ऐसा लगता है कि भूख ने आपका दिमाग फंसा दिया है। सही कह रहे हो बालक, कई सोमवार और मंगलवार गुजर गए हैं, मगर अन्न का एक दाना भी इस पापी पेट के अंदर नहीं गया। अरे अरे महाराज, आप लोग भूखे हैं, आइए अंदर आइए, जलपान करके जाइए। आइए महाराज। जय भोलेनाथ। धन्य हो देवी की, धन्य हो। जय शिव शंकर। पधारिए महाराज, मैं अभी आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। धन्य हो देवी, धन्य हो। अभी वो लंबू, इन बालों ने तो मेरी खोपड़ी घुमा दी। तुमको क्या करना है? पहन ले, रहेगा क्या? अभी लंबू, मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो तू देख रहा है? हाँ ठेकू, मैं भी वही देख रहा हूँ। अभी लंबू, ये तो मेरा शिवा है। तेंगू, ये मेरा शंकर है। मगर ये तस्वीर इस घर में कैसे? यही तो। अरे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे। खाइए महाराज। देवी, ये तस्वीर किन की है? ये तस्वीर मेरे बच्चों की है। आपके बच्चों की? ये है मेरा बड़ा बेटा राम, छोटा लक्ष्मण। जी, राम लक्ष्मण आपके बेटे? बेटे गोली, गोली अपना काम कर चुकी है, अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं शिवा, नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। याद कर मेरे दोस्त, याद कर अपना वादा, याद कर। दुनिया छूटे यार ना छूटे, दुनिया छूटे यार, धर्म कांटे पर देखा,
शिवा, शिवा, अरे मुन्ना तू मेरा लक्ष्मण, अरे मैं राम मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना पगले, मैं तेरा दोस्त ही नहीं, मैं तेरा भाई भी हूं। होश में आ मुन्ना, मुन्ना आंखें खोल, एक बार, सिर्फ एक बार अपने भाई के गले लग जा मुन्ना, एक बार, सिर्फ एक बार। मुन्ना, मुन्ना आंखें खोल, मुन्ना, मुन्ना, नहीं, नहीं मुन्ना, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, नहीं। अगर अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं दुनिया को फूंक दूंगा, सारे संसार में आग लगा दूंगा। अरे वाह रे भगवान, बचपन में मां कहती थी जिसके बाजू पर शंकर भगवान का निशान हो तुम उसकी रक्षा करते हो। वाह, क्या रक्षा की है तुमने हमारी। हाँ, बचपन में मां बाप को छीन लिया, हमें घर से बेघर कर दिया, एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर दिया, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अपने पापी पेट की आग बुझाने के लिए तुमने हमें चोर बनाया, डाकू बनाया, फिर भी हम तेरे दर पर फरियाद लेकर नहीं आए। लेकिन आज, आज बरसों के बाद हमारा भाई मिला तो इस हाल में कि जिसके सर पर मौत मंडला रही है। लेकिन एक बात याद रख, ये खून उसका नहीं बहा है, तेरा बहा है। ये गोली मेरे भाई को नहीं, तुझे लगी है। अगर आज मेरा भाई मर गया तो मौत मेरे भाई की नहीं, मौत तेरी होगी। इंसान कितना कमजोर है, लेकिन तू आज भी इस दुनिया में उसकी रक्षा करने के लिए मौजूद है। आज आज मेरे भाई की जान बचाकर तूने इस पापी को नास्तिक होने से बचा लिया। भगवान मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर भगवान, इस पापी को माफ कर दे, माफ कर दे, इस पापी को माफ कर दे। शंकर, शंकर, ये देख, ये देख हमारे बचपन के निशान। भैया। अरे हाँ पगले, तू मेरा भाई है। रास्ते पे चलने का फल दे दिया, हमारे राम और लक्ष्मण दोनों जिंदा हैं। क्या
हमारे सामने आए, हमसे मिले और हमें उन्हें पहचान न सके। वो कब? अस्पताल में, जिन्होंने आपको खून दिया। अरे वो शिवर शंकर? हाँ। अरे वो हमारे बच्चे? हाँ। राम और लक्ष्मण? शिवा, शिवा, शिवा मेरे बच्चे। लक्ष्मण? अरे राधा, ये तो अपना मुन्ना बेटा। क्या हुआ इसे? अरे ये तो जख्मी है, इसे इसे किसने मार के इसमें डाल दिया? जरा से संभाल तो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा लक्ष्मण कितनी बुरी तरह से घायल है, मेरा बच्चा। क्या हुआ बहन, आप इतनी घबरा क्यों रही है? ये ज्वाला सिंह डाकू के घोड़ों के टापों की आवाज है। भैया मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को कहीं छुपा दो। फिक्र मत करो बहन, जल्दी करो। लागे ठकुराइन, हम कुछ लूटने नहीं आए, सिर्फ तीन ठो सवाल पूछने आए। तीन। पहला सवाल, तुम्हारा सुहाग ठाकुर भवानी सिंह कहाँ है? दूसरा सवाल, गंगा को कहाँ छुपा रखा है? और तीसरा सवाल, वो शिवा हरामखोर, गंगा का हमदर्द, वो कहाँ है? चाहे तो तीनों सवालों का जवाब एक संग ही दे दो, चाहे तो अलग अलग दे दो। एक सवाल का जवाब तो मिल ही गया। क्या बच्चू है, यहाँ क्या कर रहा? तो सरकार जवार खा रहा था, बड़ी मीठी है, तुम खाओगे? गोदा पार निकला चूहा। हमको मालूम है कि तू हमें कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि तेरी रगों में भी ठाकुरों का जिद्दी खून है, लेकिन माँ कसम हम भी वो चाल चलेंगे कि सब लोग खुद ब खुद हमारे पास चले आएंगे। ए मंगल चाचा, उठा इसे और ले चल अपने साथ। ठाकुर आएगा तो उसे कह देना गंगा दे जाए और अपनी जुर्बा को वापस ले जाए, समझा? अरे शिवा कहाँ है? शिवा ठाकुर, शिवा आग में फंसा हुआ है। बोल गंगा कहाँ है? हिंदुस्तान में। बोल शिवा कहाँ है? सारे संसार में है। चाची तू? चाची नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। माँ? हाँ तेरी माँ। माँ? हाँ बेटा, मुझे माँ कहकर पुकार। माँ? तू मेरा खोया हुआ बेटा राम है, और शिवा
तेरे खोया हुआ मुन्ना है, तेरा छोटा भाई। अच्छा तो तू इन सपनों की माई है। ठकुराइन, अगर पैदा करते ही तू नागिन की तरह इन सपनों को खा गई होती, कम से कम ये ज्वाला की लपट से तो बचे रहते। हरामजादे चुप कर। अब केचली बदलने से पहले मैं तेरे पूरे खानदान को जलाकर राख कर दूंगा। क्या? वो मेरी माँ को उठाकर ले गए? मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू कहाँ जा रहा है? हैं? मुश्किल से तुझे अभी होश आया है, जख्मी है, वो काम मेरा है। नहीं बाबू, छोड़ दे मुझे। ये लॉकेट तेरे पास कहां से आया? ये मेरी मुंह बोली बहन गंगा का है। गंगा? हाँ, गंगा तेरी मुंह बोली बहन नहीं पगले, तेरी सगी बहन है, मेरी बेटी। हरगिज नहीं, गंगा हमारी बेटी है। भवानी सिंह, अब कौन सी चाल चल रहे हो? चाल हम नहीं चल रहे हैं ठाकुर, चाल तुम चल रहे हो। सच को झूठ नहीं बना सकते, दूसरे की औलाद को अपनी औलाद नहीं कह सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि गंगा हमारी औलाद नहीं है? क्या ये लॉकेट गंगा का नहीं है? खा दुर्गा माँ की सौगंध और कह दे ठुकराइन कि गंगा को तूने अपनी कोख से जन्म दिया है और उसकी रगों में तुम दोनों का खून दौड़ रहा है। हमारे खून का हिसाब लेने वाले तुम कौन होते हो? मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दे ठाकुर। भवानी, दुर्गा मैया की झूठी कसम मत खाइयो ठुकराइन। याद रहे कि तू भी एक माँ है। हाँ हाँ, ये सच है कि गंगा को मैंने जन्म नहीं दिया, और ये भी सच है कि लॉकेट बच्ची के गले में था जब ये बच्ची गंगा में बहती हुई हमें मिली थी। तब से आज तक हमने इसे अपनी औलाद की तरह पाला। इसकी मुस्कुराहटों में हम अपनी औलाद का गम भूल गए। ठुकराइन, गंगा मेरी बेटी है। ठुकराइन, तेरा श्राप वापस लेते ही गंगा के दोनों भाई मेरे बेटे शिव और शंकर भी मुझे मिल गए। तो क्या तू गंगा को हमसे छीन लेगा? भवानी, क्या तू हमको फिर से बेऔलाद कर देगा? ठाकुर, मेरी बच्ची तुम्हें गंगा से मिली थी और अब वो तुम्हारे लिए गंगा का वरदान बन चुकी है। वो पहले भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी ही बेटी रहेगी। भवानी, तूने गंगा को वापस देकर हमारी जिंदगी वापस कर दी। मगर ठुकराइन, ज्वाला सिंह गंगा की मां राधा को उठा ले गया ये कहकर कि अगर राधा वापस चाहिए तो गंगा को मेरे हवाले कर दो, ये हो नहीं सकता ठाकुर। ठुकराइन, जाने से पहले मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दे। मालकिन, मालकिन, गंगा बेटी ये चिट्ठी लिख गए हैं। माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी एक जिंदगी के बदले इतनी सारी जिंदगियां कुर्बान हो जाए। माँ, मैं माँ को बचाने जा रही हूँ। ठाकुर, ये पुलिस के जासूस लगते हैं। हुजूर, दुहाई है ठाकुर, दुहाई है। मुन्नी भाई, यहाँ क्या लेने आई है तू? सरकार, मैं कुछ लेने नहीं आई, मैं तो देने आई हूँ। आपके लिए दो कारतूस लाई हूँ। कारतूस? ठाकुर, ये कारतूस बहुत जोरदार है। शिकार तो एक तरफ, शिकारी का भी सफाया कर देंगे। चुप रह, बदात कमीनी, ठाकुर साहब के मुंह लगती है। अरे रहने दे मुन्नी भाई, अगर ये मुंह नहीं लगेगी तो फिर गले कैसे लगेगी? लेकिन पहले हम इस गोरी नटनिया का नाच देखेंगे, ये घुंघरू बहुत अच्छे तोड़ती है। जी जी। ए, नाच। मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? हम नचाएंगे। नाच। नहीं नाचूंगी। सुन छोरी, ज्वाला के हुक्म से लोगों की तकदीरें नाचती हैं। नाच, नाच।
चाहे तो मेरी जान भी ले ले, लेकिन मैं नहीं नाचूंगी। तेरा सारा खानदान नाचेगा रामजादे। अरे ओ ठाकुर, बिजली तू ज्वाला, मैं बिजली, तू भी आग, मैं भी आग, आग से आग के टक्कर में चंदा का क्या काम, मैं नाचूंगी बिजली। शंकर, राधा चाची, शंकर, आप लोग यहाँ? ये सब तकदीर का खेल है बेटी, शंकर मेरा बेटा है। शंकर, शंकर। बिजली, बिजली तू यहाँ क्यों आई है? मुन्नी भाई, हम दोनों को जबरदस्ती ज्वाला के हाथ बेचने लाई है सरकार। यही हरामजादा बिजली का यार है, इसी ने मेरा कोठा उजाड़ा है, आप इसकी जिंदगी उजाड़ दीजिए। देखते जाओ मुन्नी भाई, हम इसका क्या क्या उजाड़ते हैं। ठाकुरान, आज तेरी चिता जलेगी, ले जाओ इसे। ए बिजली रानी, ये आसिक मासूक का मधुर मिलन बहुत हो चुका, अब तनिक महफिल गरम करो। नाचो कुत्ते, बिजली तेरे सामने नहीं नाचेगी। जरा निगाह उठा दीवाने, आज निकल जाए
मुझे गंगा चाहिए थी ना, मैं आ गई हूं, तुम मुझे अपनी गुलामी में ले ले, मगर मेरी मां को छोड़ दे ज्वाला। अरे तेरी मां को कहां उठा के लाए हम तो भवानी सिंह की लुगाई को उठा के लाए, हमारी गुलामी करेगी है। यही मेरी मां है। खोई हुई बेटी है? हाँ माँ, बचपन में सैलाब ने मुझे तुमसे जुदा कर दिया था, लेकिन आज तकदीर के सैलाब ने मुझे तुमसे मिला दिया है। अगर किस हालत में गंगा? भैया, गंगा मेरी बहन, तू इस नरक में क्यों आई? मेरी एक जान जाने से अगर आप सबकी जाने बच जाए तो मैं अपने आप को तकदीर वाला समझूंगी। हमने सोचा था कि हम तुझे अपनी धर्म पत्नी बनाएंगे, तेरी मांग में अपने दुश्मन के लहू से सिंदूर भरेंगे। नसीब ही खोटा है तेरा, तू हमारे दुश्मन की बेटी निकली, अब हम तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे, अपनी रखेल बना के रखेंगे। हरामजादे, तू वो नीच है कि मरने के बाद अग्नि भी तेरे शरीर को जलाने से इनकार कर देगी। तू कुत्ते, मेरी बहन को छोड़। कैसे छोड़े शंकर, कैसे छोड़े? बीच बजरिया में तो ज्वाला ने बहुत डाके डाले। ठीक है, जल्दी मार इनकमिंग।
तीनों को। क्यों बस सालो, ग्रुप कैसे टूट रहे हैं? माफ करना चाची, घोड़े की रफ्तार तेज है इसलिए जबान भी तेज चल रही है। ओए मंगल चाचा भाग। राजा चाचा हट, आजा हमारी गोद में। बाय लागो चाचा हट। क्यों मंगल चाचा, आज मंगलवार है या सोमवार? नहीं बिजली, आज तो शनिवार है। Thank you.
काटियां तो क्या झाला, आज तुझे जमीन और आसमान भी नहीं छुपा सकते। मिस्टर सक्सेना सर, ज्वाला सिंह की लाश को कब्जे में ले लो। ओके सर। भवानी सिंह जेल से फरार, ये मेरे बेटे हैं डीआईजी साहब, अब मैं इन्हें कानून के हवाले करता हूं। भवानी सिंह, कानून इंसाफ की रोशनी में तुम्हारे बच्चों को प्यार देगा, और चूंकि ज्वाला सिंह के सर पर इनाम था जिंदा या मुर्दा, इसलिए सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम भी मिलेगा। इनाम तो मुझे मिल चुका डीआईजी साहब, 14 बरस की सजा काटने के बाद, और आज इस पापी की मौत ने मुझे बता दिया कि यह संसार एक धर्म कांटा है, जिसके एक पलड़े में नरक और दूसरे पलड़े में स्वर्ग।